हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम मसाला। तो ये मशरूम मसाला जो है वो रेस्टोरेंट में जैसे बनाते हैं उसी तरीके से इसे बनाएंगे। तो ये मैंने मशरूम लिए है, 200 ग्राम ये मशरूम है, और इसे मैंने साफ़ करके इसको मैंने काट लिया है। पर इसका साफ़ करने का तरीका दो तरीके से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इसका जो ऊपर का जो छिलका होता है उसे निकाल के भी साफ़ कर सकते हैं, या तो आप इसमें आटा डाल के इसको थोड़ा सा रब कर लीजिए और फिर पानी से धो लीजिए। तो दो तरीके से आप इस मशरूम को साफ़ कर सकते हैं। इसमें जो मिट्टी वगैरह जो लग जाती है तो वो पूरी निकल जाने के लिए दो तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने ये दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, दो मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और ये लहसुन की कलियाँ 10 से 12 ली है। तो गरम मसाले देख लेते हैं। तो ये लौंग ली है 3, और ये 5-6 मैंने काजू लिए हैं। तो इसे मैंने भिगो के लिया है, तो काजू ये भीगे हुए काजू है। और ये दालचीनी के 3 टुकड़े लिए हैं, 10 से 12 काली मिर्च, छोटी इलायची मैंने 3 ली है और एक बड़ी इलायची ली है। तो मैंने पानी को गर्म करने के लिए ये रख दिया है, और इसे अभी हम अच्छे से उबाल लाएंगे इस पानी को। और इसमें अभी मैंने हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और नमक डाला है, और ये मशरूम जो हमने साफ़ करके रखे थे तो इसे अभी इस पानी में से हम 2-3 मिनट के लिए इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो ये मशरूम जो है वो इस मशरूम में कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए इसे अभी हल्दी और नमक के पानी में थोड़ा सा उबाल लेंगे हम, और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी इसे पकाना नहीं है, 2 से 3 मिनट के लिए इसे उबाल दीजिए और फिर इसे निकाल लीजिए। तो देखिए, अभी ये मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैंने उबाला और अभी इसे निकाल दिया है। तो मशरूम जो है वो पकने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है, बहुत ही जल्दी मशरूम पक जाता है। तो मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और हमने जो गरम मसाले लिए हैं वो हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। तो इसमें मैंने दालचीनी, लौंग ली है, और काली मिर्च, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जीरा डाला है। तो ये जो हमने प्याज काट के रखे थे तो वो अभी हम भून लेंगे, और इसी के साथ ये अदरक लहसुन जो है वो भी हम प्याज के साथ ही भूनेंगे। और सब्ज़ी के लिए जैसा हम प्याज जो भूनते हैं उसी तरह से प्याज को हमें भून लेना है। और प्याज जो है वो अच्छा भून लीजिए, कम आँच पे भून लीजिए। और ये अभी प्याज तो मैंने भून लिया है, तो अभी हम इसमें टमाटर डाल देते हैं, और टमाटर भी हमें अच्छे से भूनने हैं सॉफ्ट होने तक। तो इसमें मैंने ये काजू डाल दिए हैं। तो काजू जो है वो साबुत, अगर ऐसे ही काजू हम डाल देते हैं तो काजू जो है वो ठीक से पकते नहीं है, और जो हम मसाला जो पीसते हैं तो उसी में ये काजू के टुकड़े रह जाते हैं। इसीलिए काजू को भिगो के लीजिए तो वो अच्छे से पीस भी जाते हैं। तो अभी ये प्याज टमाटर जो है वो हम पका लेंगे। तो इस पे अभी मैं ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए कम आँच पे इसे पका लेती हूँ। तो देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इस मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे। इससे हमारे प्याज टमाटर तो अच्छे से पक जाएंगे, और जो हमने जो गरम मसाले इसमें डाले हैं तो गरम मसालों का भी स्वाद इसमें पूरा आना चाहिए, इसीलिए इसमें अभी पानी डाल के हम इसको पका लेंगे। तो अभी ढक्कन लगा के इसे हम पूरा पका लेते हैं, पूरा गलने तक। और गैस का फ्लेम जो है वो मैंने कम ही रखा है, कम आँच पे इसे मैंने पका लिया है। तो देखिए, अभी ये प्याज टमाटर पूरा गल चुका है, और इसमें जो हमने पानी डाला था वो भी पूरा कम हो चुका है। तो अभी हमने जो ये इसमें जो गरम मसाले डाले थे तो वो पूरे हमें निकाल लेने हैं। तो अभी प्याज टमाटर के साथ इस गरम मसाले को हम पीसेंगे नहीं, अगर पीसेंगे तो ये पूरा मसाला जो है वो काला सा दिखता है, इसीलिए अभी ये पूरा मसाला जो है वो हम पूरा निकाल लेंगे। तो हमने पानी डाल के इसको पका लिया था, तो इसका स्वाद भी पूरा इस प्याज टमाटर में आ चुका है। तो अभी सारे मसाले जो है वो मैं पूरा निकाल लेती हूँ, और उसके बाद ये जो प्याज टमाटर जो है वो पूरा हम ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद इसे मिक्सी में हम पीस लेंगे, उसको हम बारीक पेस्ट कर लेंगे इसकी।
तो देखिए मैंने मसाला पूरा पीस लिया है, और अभी मैंने 2 चम्मच कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और एक मैंने छोटा प्याज बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी प्याज भी ये डबल तड़का हम देने वाले हैं, ये मशरूम मसाला है। तो ये प्याज जो है वो मैंने थोड़ा सा, ये छोटा सा प्याज लिया था और इसे मैंने बारीक काट लिया था, और इस प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है, और इसमें मैंने एक छोटा टमाटर अभी बारीक काट के डाल दिया है। तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, पूरा ये टमाटर जो है वो गलने तक हमें भून लेना है, इसे कच्चा नहीं रखना है। और कम आँच पे इसे अच्छे से भून लीजिए। तो देखिए अभी ये प्याज टमाटर मैंने अच्छे से भून लिया है, और हमने जो मसाला बना के रखा था, तो पीस के रखा था, तो वो अभी इसमें डाल देते हैं। और ये मसाला भी हम अच्छे से भून लेंगे, इसमें से ऑयल छूटने तक हम इस मसाले को भूनेंगे। तो ये मसाला जो है वो आप जितना भूनेंगे उतना ही इसका स्वाद अच्छा आएगा। हाँ, अगर हम मसाला जो है वो अच्छे से भूनते नहीं है, तो हमारे जो मसाला जो होता है, मतलब कुछ भी हम बनाते हैं, उसमें अच्छा स्वाद नहीं आता है, कुछ भी सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने अभी इसमें आधा चम्मच ये धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है। तो लाल मिर्च पाउडर ये तीखे वाली नहीं है। और अभी ये मसाले को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो सूखे मसाले डालने के बाद भी आपको ये जो मसाला है वो अच्छे से भून लेना है। तो थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दी है, और ये किचन किंग मसाला है, तो आधा चम्मच मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाला है। तो रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जो भी ग्रेवी या मसाला वगैरह जो भी हम डिश मंगाते हैं, तो उसमें ये किचन किंग मसाला और ये कसूरी मेथी होती है। तो देखिए अभी सूखे मसाले डालने के बाद भी ये जो मसाला है मैंने अच्छे से भून लिया है, और अभी अभी हमने जो मशरूम जो उबाल के रखे थे वो अभी हम इसमें डाल देते हैं। और मशरूम जो है वो अगर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, और मीडियम साइज़ के हो गए तो उसके 2 ही टुकड़े कर लीजिए। तो इसे बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है, इसे थोड़ा सा हमें मोटाई रखना है। तो ये मैंने कसूरी मेथी ली है थोड़ी सी, तो इसे भी हाथों पे थोड़ा सा रब करके डाल देंगे। तो कसूरी मेथी डालने के बाद भी इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो बस अभी ये थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो थोड़ा गाढ़ी लग रही है, और इसे हमें 5 मिनट के लिए पकाना है। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अभी इसे थोड़ा हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। और ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है 1 चम्मच, तो अमूल का जो फ्रेश क्रीम होता है वो डाला है। इससे हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही क्रीमी हो जाएगी और अच्छा स्वाद आ जाएगा, और आप देखेंगे इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा शाइन भी आ जाएगा। और अभी हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। तो ये बटर मैंने अभी ये थोड़ा सा बटर ले लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। तो अगर आपको रेस्टोरेंट के जैसे बनाना है और उसी स्वाद में आपको ये चाहिए, तो आप इसी तरह से बनाइए। तो बस अभी गैस का फ्लेम हम कम कर रखते हैं, और इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए कम आंच पे इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो बस 5 मिनट के लिए ही पकाना है, इसमें अच्छा खासा इसमें भाप लाएंगे।
तो देखिए ये अभी मशरूम मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो अभी मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है बारीक कटा हुआ, और अभी इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये मशरूम मसाला बनके तैयार है। तो नान के साथ, रोटी के साथ या चावल के साथ इसे आप खा सकते हैं। तो मैंने जैसे दिखाया है उसी तरीके से आप बना के देखिए, बहुत ही अच्छा बनता है। मतलब आपको ये खाने के लिए रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो अभी इसे हम निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसे मैंने निकाल लिया है और ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये दिखने में भी अच्छा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी ये मशरूम मसाला बनके तैयार है। इसे बना के देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।